आइए मैं ले लेता हूँ। तू भी बना रहे ब्लॉग? चलो भाई चल रहे, हम लोग सब लोग आ गए। ये मेरे बड़े भाई आनंद भैया, साइड में आ जाइए। चलते भाई ढाबा आ चुके हैं और हमारे सबसे बड़े भैया मूतने गए और ये हमारे मानस भैया क्या खाने हैं इतने ढाबे? अभी लेंगे थोड़ी सी। चलो। ये हमारे आनंद भाई क्या खाओगे भाई? मैं दाल चावल और रोटी खा लूंगा, वो भी तवा रोटी। अच्छा तवा रोटी। कौन सा ढाबा है? झिलमिल ढाबा। पहली बार कोई अलग नाम दिखा, नहीं तो हमेशा शिवा ढाबा दिखता है। झिलमिल ढाबा आ गए और यहाँ पे एक झिलमिल नाम की लड़की आएगी जो हम लोग के सामने मुजरा करेगी और मानस भैया हमारे फुल आनंद लेंगे उसका। क्या कह रहे हैं, चोली उठा देंगे झिलमिल की? ये गंदी हरकतें करने वाले के लड़कों को मैं साथ नहीं रखता। चलो जाओ जाओ, हमारे बड़े भैया शर्मा रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? अभी लड़की आई भी नहीं और इन्हें मजा आ रहा है अभी से। यहाँ पे काम पर लग गए? हाँ भैया, पार्ट टाइम कर लेते हैं। पार्ट टाइम कितने रुपए मिल जाते हैं? अरे भाई तुम तो खाना खाने वाले थे। हम? हाँ इन्हों खाई नहीं, इन्हों दारू पी रहे हैं। अरे यार कोई नहीं पीएगा दारू। भाई ढाबे पर तो इन लोग ने कुछ खाया नहीं, बोल रहे थे दाल चावल खाएंगे। इन लोग बैठ गए, व्यवस्था टाइट है इनकी। हम लोग यहाँ झिलमिल ढाबे पे गोल्डिंग पी रहे हैं। भाई देखता हूँ आगे ढाबे पे कहीं रुकेगी गाड़ी, फिर से रुकेंगे कार, रुकेगी क्या तो फिर खाएंगे। भाई साहब कुल्फी बेच रहे हैं, देखते हैं कितने रुपए की कुल्फी। भाई देना एक लेने जाना पड़ेगा टोकन। टोकन ले आए भाई। लो भैया कुल्फी वाले भैया। फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, बेसब्री से लुक दे रहे हैं थम्स अप पकड़ के। वीडियो बन रही थी, रुक जा रुक जा। हो गया, पीना हो गया। हम पहुंच गए, 100 किलोमीटर आ चुके। दो पैक में चढ़ गई है। चलो बैठते निकल रहे हैं भाई लोग यहाँ से। निकल पड़ी है गाड़ी मंजिल के तरफ और हम आराम से उस मंजिल को इंतजार कर रहे हैं कब पहुंचेगी। और भैया मैं क्या बोलूं? कुछ भी। अरे स्क्रिप्ट दो, स्क्रिप्ट ये लो, ये लो स्क्रिप्ट पढ़ो। भैया शर्मा रहे बहुत। स्क्रिप्ट दो भाई, को स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई गई। हेलो हेलो हेलो। हां क्या हुआ? अरे व्हाट हैपेंड ब्रो? ब्रो हम वापस मुड़ गए। कितने पीछे हो भैया? हम लोग घूम लिए नैनीताल, अब वापस आ रहे हैं। नैनीताल नहीं, तुम पीछे हो। ले ली भोला। भाई हमारे कार बिना ड्राइवर के चल रही है। वो मूतने गए हैं।
बगल वाले कंडक्टर भी मुतने निकल गए हैं साथ में। और बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, पानी बरस रहा है। शिवा ढाबा पे हम लोग रुक गए हैं दोबारा। शिवा ढाबा क्योंकि हमारे यहाँ एक मित्र रुके हुए थे। अपने मित्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस वो बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत याद आता है। अच्छा था, अच्छा है यार। अच्छा क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, वो जो बिछड़ गया था हमसे। कहाँ बिछड़ गया था? यहीं पे हम आए थे ढाबा पे। कहाँ गए भाई? बारिश का लुत्फ लेते हुए। ये बोल रहे हैं आप? कुछ बोल नहीं रहे, लगता है नाराज हैं फूफा जी। ब्लॉगिंग गाइस, हमें हमारे दोस्त मिल गए। और गाइस सब ठीक है भैया? हमारे ड्राइवर टॉयलेट गए, अब तक आए नहीं। हम लोग की कार में चलेगा बिना ड्राइवर के। शंकर कह रहे मैं चलाऊं। अरे शंकर कह रहे वो चलाएगा। सस्ता ब्लॉगर शंकर तो डाउन चल रहा है ऑलरेडी। अच्छा ये ला रहे थे? अरे भाई ये तो टॉयलेट करने की फ्राइड राइस लेने गए थे। अब खाने के बाद खाएंगे मिठाई। टाइम लगेगा उसकी प्लेट में। अच्छा प्लेट के भी पैसे दे दिए? दंड दिया पैसे। बचपन से चोर है जानता है। चौमिन वाला बकचोदी का तो प्लेट लेके आते थे, आज बैंड चोद इसका भी ले आया। सीखा लगेगा। हाँ हमने लौड़े के चटनी नहीं लाए तुम? चटनी गई नहीं भाई, वहाँ पे वो गिलास में क्या पूरा वो लेके आए हम। क्या और क्या ले आते? अभी तो बोला चलो लेके। बहुत बड़े चोर है भाई। 8 घंटे पहले ना धूम 1 देखी होगी, धूम 2 देखी होगी, धूम 3, धूम 4 इन्हीं पे बन सकती है। प्लेट दे आना। चलो भैया निकलो आगे। क्या हो भाई, सो रहे हो? 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 2:20 हो रहे हैं। हम लोगों की आदत मानस नॉर्मल है 3-4 बजे तक, समझ गए? और हम चाहते तो 4 बजे तक पहुंचा देते वाले तो कार्ड को था। फॉर्मूला 1 रेसिंग भी करते हैं ये हमारे भैया। लोगों की गांड के नीचे से कार निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो बस कार मिल जाए। बस कार मिल जाए। मैं लेटा रहा जब ही चलने लगी टोल बूथ। मानस भैया एक लड़की से प्यार करते हैं और वो लड़की के घर वाले कह रहे हैं मम्मी पापा क्या है मानस में, लप्पू सा तो मानस है, लप्पू सा मानस है। भाई बंदी के साथ बहुत लॉयल है, प्यार करता है, भाभी जी भी करती हैं, लेकिन ये घर वाले, इतना हैंडसम लड़का है फिर भी पता नहीं क्या कमी दिख रही है लड़के में, समझ नहीं आ रहा है। बाकी दहेज आप पूरा लेना भैया, 1 रुपया कम नहीं करना है दहेज में।
कुछ भी देंगे अपनी लड़की को देंगे वो, हमें क्या, हाँ इन्हें क्या, इन्हें तो ऑफिस चले जाना है। ठीक है भैया, पूरा दहेज लीजिएगा भैया, हम आपके साथ हैं, जहाँ लाठी पड़ेगी पहले मैं ही भागूंगा। कह दो मेरे बड़े भैया है, सीधे तो मार चुप मना ही होगा उधर, मना हो जाए समझ में तो आ जाएगा कि मतलब लड़की लेके भागनी है कि नहीं भागनी है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके भाई आपके साथ हैं, जैसे लाठी पड़ेगी जय, हाँ जो नहीं नहीं भागेंगे नहीं, जो करना पड़ेगा करेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और रोना बिल्कुल नहीं है, जो आप रोते हो ना कोने में जाके, घबराना पहली बात तो आपने घबराना नहीं है। पहली बात तो हमें घबराना नहीं है, अरे सर वहाँ तो बात जुट गई, कोई बात नहीं हमें घबराना नहीं। चलो भाई निकलो, हमारे जो मित्र हैं वो 50 किलोमीटर पीछे हैं, पानी तुम्हें दिया था भाई, कितना था। और ये हमारे मानस भैया सो के उठ चुके हैं, और उठते ही ये टॉयलेट क्लीनर पीते हुए अपना पेट साफ करने के लिए। ₹40 लिखा।